एवरीवन, वेलकम बैक टू अनुप्रियाज ब्लॉग। और आज मैं आप लोग साथ शेयर करने वाली हूँ अपना शॉपिंग हॉल, जिसका मुझे बहुत दिन की तक दो दिन से इंतजार था। मैं दो दिन से आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ, तो चलो फिर करते हैं अपना स्टार्ट। है मैं अनुराग ने सिर्फ अपने लिए ये जैकेट लिया था, अनुराग ने कुछ ज्यादा नहीं लिया। बाकी ये जैकेट है, अनुराग को ऐसे ही डेली वेयर पर्पज पसंद आ गई, मतलब मार्केटिंग और इस टाइप से सामने से दिख गया, तो अनुराग ने ये लिया है एक जैकेट। इसमें भी 50% ऑफ था। ये हमने लिया था एक पापा के लिए, ये ब्लू कलर का, इसमें ऊपर चेक है और नीचे ट्रिपल कलर है इसमें, ठीक है। ये एक हमने पापा के लिए लिया है, साइज का पता नहीं यार, साइज तो पापा ही बता सकते हैं कि कैसा रहेगा, साइज आ जाएगा आई थिंक। और ये लिया था हमने मम्मा के लिए एक स्वेटर कार्डिगन। इस जहां पे हम लोग गए थे ना, ये पहले मैं बता दूं कि ना चुनमुन शॉप थी, ये दिल्ली का ही एक चेन है, काफी बड़ा चेन है चुनमुन, तो वहां से हम लोगों ने ली थी। वैसे हम लोग इतनी शॉपिंग करने गए नहीं थे, हम लोग सिर्फ लेने गए थे किंजो के दो पैंट, दो जीन्स और स्कूल के पर्पज से। बाकी हम लोगों ने दिख गया हम लोगों को कि चलो यार ले लेते हैं और सेल है, तो ये मम्मा के लिए है। इसमें ना मुझे ये चीज अच्छा लगा कि इसमें ना बटन तीन है, ठीक है, नीचे से थोड़ा सा स्टाइलिश है, ये ओपन है नीचे से, फ्रंट में कोई बटन नहीं है, सिर्फ ऊपर के दो बटन है, तो ये आप सूट पे भी पहन सकते हो, साड़ी पे भी पहन सकते हो, तो इस पर्पज से मुझे ये अच्छा लगा। और ऐसे ही मैं भी अपना डेली वेयर पर्पज लाई हूँ कि मैं सूट पे पहन सकूँ और साड़ी पे पहन सकूँ। तो ये मम्मा का है, पीछे से ऐसे दिखा दूँ ऐसे करके, ठीक है, ये मम्मा का हो गया। ये है मिनी दीदी का, ये थोड़ा सा उनका स्टाइलिश वे में लाए हैं, अंदर आप कुछ भी डाल लो, टॉप डाल लो, कोई भी स्पेगेटी डाल लो, ये नेट है इसमें, इस तरीके से मैं दिखा दूँ आप लोगों को, ऐसा ये नेट है, तो ये अच्छा लगेगा जब आप अंदर कुछ क्रॉप टॉप डालोगे या स्पेगेटी वगैरह डालोगे ना कॉन्ट्रास्ट में, तो अच्छा लगेगा। ये पहले मैं ले रही थी अपने लिए, फिर मैंने सोचा यार रहने दो, बजट ज्यादा हो गया था, फिर मैंने कहा रहने दो नहीं लेते, ठीक है। ये मिली मेरी ये सिस्टर इन लॉ का था। अब मैं दिखाती हूँ अपनी शॉपिंग। अपनी शॉपिंग में सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने लिए थे अपने लिए स्लीपर। मेरे स्लीपर ना बहुत टाइम से मैं सोच रही थी, मुझे इनका कलर, मैं ना देखो फ्लैट पहनती हूँ, ये फ्लैट है बिल्कुल, ठीक है। मैं काफी टाइम से, मेरी शादी हुई है और शादी के पहले से भी मैं फ्लैट पहनने लगी हूँ। बहुत पहले मैं हील पहनती थी, बट अब मुझे फ्लैट पसंद आने लगा। फ्लैट में क्या होता है ना, डिजाइंस नहीं मिलते। अभी तक मैं कैटवॉक की काफी बार पहन चुकी थी, अब की बार मैंने मोची पहना है, और फ्लैट में आपको ज्यादा वो नहीं मिलते, ज्यादा डिजाइंस नहीं मिलते फ्लैट में, हील्स में बहुत अच्छे अच्छे डिजाइंस आते हैं। तो ये है मेरी स्लीपर, और ये लाए थे, ये है स्लीपर का वो क्या है, ये जो पॉलिश, ये जो स्लीपर है ना, आप इसको नॉर्मल पे भी कर सकते हो, और ये स्पॉन्ज दिया है इसमें वॉश करने के लिए स्लीपर्स को, तो ये अनुराग की शूज में भी काम आ जाएगा, मेरे में भी आ जाएगा, तो इसलिए ले लिया अनुराग ने। ये है मेरा बेल्ट, मैं पता है बहुत दिनों से मैं ना बेल्ट अनुराग का लगा रही थी, मेरा बेल्ट एक्चुअली खो गया था, मैं बोल रही थी अनुराग ये पता नहीं मेरा बेल्ट कहाँ चला गया कहाँ चला गया, तो ये मिल गया फिर मेरा बेल्ट। ये भी मोची का है और ये 490 का है, ठीक है। इसमें कोई ऑफ नहीं था, इसमें स्लीपर्स और इनमें कोई ऑफ नहीं था, ये तो मैं मुझे चाहिए था इसलिए मैं लेकर आई थी। तो ये है मेरा बेल्ट, और ये है मेरा एक स्वेटर, ठीक है, ये है स्वेटर, ये मैंने डेली पर्पज लिया है स्वेटर, जैसे मार्केटिंग पर्पज, मार्केट जा रहे हो, सूट में कानपुर जा रही हूं मैं, ट्रेन वगैरह में, तो ट्रेन में ना इस तरीके की जो स्टफ होते हैं ना वो कंफर्टेबल होते हैं, आप बहुत टाइट और बहुत ही वर्क वाला वो नहीं पहन सकते, तो मुझे ये सॉफ्ट सॉफ्ट अच्छा लगा। इसमें भी अगेन मैंने जैसे बताया ना मम्मा के में था, ऊपर से तीन बटन है, ऊपर के तीन बटन है, बाकी ओपन है नीचे से, वैसा ही है, उसी टाइप का है ये भी, ठीक है।
तो एक ये हो गया और एक हो गया ये। मैं ना मैं हाँ मैंने तो बोला था कि मैं आपको पहन के दिखाऊंगी, मैं पहन के दिखाती हूँ एक मिनट को। गाइज ये थी मेरी शॉपिंग, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। और मे बी शायद कुछ के मैंने प्राइस मेंशन किए हैं, कुछ के नहीं किए। अगर आप लोगों को प्राइस जानना हो तो आप लोग मुझे बता देना कमेंट करके, मैं आप लोगों को बता दूंगी प्राइस कितना है। तो बस ये थी मेरी शॉपिंग, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो क्या करना है आप लोगों को, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे मेरे आने वाले न्यू वीडियोस को नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई ऐसी शॉपिंग्स आपको और मिलती रहेंगी आगे, और ये शॉपिंग इनफ नहीं है, ये तो हमने सेविंग की है अपने नेक्स्ट ईयर के लिए, बट अभी समर शॉपिंग रह गई है मेरी, वो भी होगी, ये शॉपिंग अभी इनफ नहीं हुई है, अभी अनुराग की पॉकेट और खाली करवानी है मुझे। एक्चुअली मेरे साथ प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं ना इक्का दुक्का चीज़ नहीं लेती, जैसे एक चीज़ ली है तो लेके आ गई, दो अगर फिर से कुछ चाहिए हो एक चीज़ फिर से लेके आ गई। मैं शॉपिंग करती हूँ या तो मैं थोड़ा काम चला लेती हूँ कुछ कुछ चीज़ों में, और फिर अगर मैं शॉपिंग करती हूँ ना तो मुझे एक साथ ही चाहिए होता है जिससे मुझे लगे कि हाँ अब मेरे पास ऐसा कुछ है, काफ़ी सारा कुछ है जो मतलब यू नो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है एक एक चीज़ों से, मैं जब तक बहुत सारी शॉपिंग ना करूँ। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।